अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। आज हम बनाने लगे सीख कबाब। ये मैंने प्याज ले लिए, इसे मैंने चॉप कर और पानी निकाल दिया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे हम और इसके अंदर एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच रेड चिल्ली, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये सीख कबाब मसाला लिया मैंने, हम ये 3-4 चम्मच ये ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेढ़ किलो कीमा ले लिया था मैंने, इसे 3 बार मशीन से निकाल लिया था बहुत बारीक। अब इसे हम ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे 3-4 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन चार मिनट हम इसे ऐसे मसलते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। ये 2 चम्मच मैंने मिल्क ले लिया था, वो ऐड करूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मैंने मेल्ट किया हुआ 2 चम्मच ऑयल ले लिया, घी ले लिया देसी घी। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये देसी घी था, मैंने ये इस्तेमाल किया है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे खुशबू के लिए, थोड़े से आधा चम्मच, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास सुहागा है पाउडर वो भी डाल सकते हैं, मगर मैं ये बेकिंग पाउडर डालने लगी हूँ। इससे खुशबू वो नरम बनते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं और टूटते नहीं है। हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। हम इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। देखे गाइस, आज ये हमारी सीख कबाब बनाने की तैयारी हो रही है। कोयलों को आग लगी हुई है, अब हम सीख कबाब बनाने लगेंगे। देखे ये देखे गाइस, हमारे सीख कबाब बन रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखे, ये देखे, देखे गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक मेरी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।